हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी पर एक बार फिर से। आज हमारे पास है होंडा सिटी 2023 जो कि एडास लेवल 2 के साथ आती है। आज इसका कंप्लीट वॉक अराउंड हम देखेंगे, क्या कुछ फीचर्स है, क्या नहीं है, क्या मिसिंग है या फिर क्या बहुत अच्छा दिया हुआ है, सारी चीज़ें हम देखते हैं एक के बाद एक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका कंप्लीट वॉक अराउंड। शुरू करते हैं दोस्तों इसकी चाबी से। अब देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसकी चाबी दिखाई देती है। अगर मैं इसे पलटाऊं तो इसमें चार पांच फीचर्स दिखाई देते हैं, जो कि सबसे पहला है लॉक करने के लिए। इसको अनलॉक भी आप यहीं से कर सकते हो, इसका आप बूट यहां से खोल सकते हो। और यहां पर होल्ड का बटन दिया गया है। होल्ड का मतलब यह है कि ये जो बटन है ना इधर पर, आपको ये वाली बटन दी होगी, ये एक बहुत ही कमाल का फीचर इस गाड़ी का कि जब आप इसको दबा कर रखते हो गाड़ी का इंजन ऑन हो जाता है और एसी वगैरह भी आप यहां से चालू कर सकते हैं। मतलब एसी के लिए कोई अलग से बटन नहीं है, बस इसको चालू कर दोगे तो एसी वगैरह चालू हो जाएगा अगर आप पहले से सेट था। पीछे की तरफ एक छोटा सा लीवर दिया रहता है जिसे खींच करके, ये देखिए एक छोटा सा बटन यहां पर दिया हुआ है ये वाला, इसको अगर आप खींच करके निकालेंगे तो ये इसको डिटैच कर सकते हैं और अंदर से फिजिकल की निकाल सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं शुरुआत से इस गाड़ी को। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये इसे कहा जाता है LED हेडलैम्प्स। आप देख सकते हैं प्यार से बहुत ही बढ़िया से LED हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे अलग अलग लाइट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर की तरफ DRL देखने के लिए मिलता है, सामने की तरफ आपको जो ग्रिल है वो देखने के लिए मिलता है और एक बहुत ही बढ़िया क्रोम का फिनिश वहाँ से लेकर के इधर तक दिया हुआ है पूरा का पूरा। नीचे सिटी की बैजिंग है अभी फिलहाल के लिए, बाद में नंबर प्लेट आ जाएगी। और जो लिप है उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई फिनिश नहीं है, यहाँ पर कोई अलग से फिनिश नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर एक ये रफ फिनिश दी गई है और यहाँ से पोर्शन कट जाता है। बोनट वाला एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा कर्व यहाँ पर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिनिश मिल जाता है। इसके बाद आते हैं हम टायर पर, जहाँ पर आप टायर्स देख सकते हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अलॉय है काफ़ी बड़ी है और प्रोफाइल जो है टायर का, ये देखिए इसे टायर प्रोफाइल कहा जाता है, ये प्रोफाइल काफ़ी छोटा दिया गया है। अगर हम इसके नंबर्स पे जाएंगे, ये देखिए 185/55 R16 के व्हील दिए गए हैं और 83H इसकी हाई स्पीड लिमिट दी गई है। ये 16 इंचेस के अलॉय यहाँ पर दिए गए हैं। सामने की तरफ आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये टॉप एंड वेरिएंट है, वैसे आपको बता दूं ये ZX CVT वेरिएंट है। इसके पीछे हम थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ORVM लगा हुआ है जिसके ऊपर टर्न इंडिकेटर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है इस तरफ भी, गाड़ी को चालू या बंद करने के लिए। और जैसा कि आपने देखा ऑटो रिट्रैक्टेबल इसके ORVM यहाँ पर दिए गए हैं। गाड़ी का अगर मैं दरवाज़ा यहाँ पर खोलता हूँ तो आपको यहाँ पर फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलेगा जिसके ऊपर क्रोम का फिनिश दिया गया है, काफ़ी अच्छे से फिनिश किया गया है। और यहाँ पर इसे लॉक अनलॉक करने के लिए बटन दी गई है। नीचे की तरफ विंडशील्ड को ऊपर नीचे करने के लिए बटन दी गई है, छोटा सा बटन। यहाँ पर ये सेक्शन है, यहाँ पर आपको लेदर फिनिश मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसको फील देती है और गाड़ी भी प्रीमियम है तो वो आप समझ सकते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर वगैरह आपको मिल जाएगा जहाँ पर एक लीटर की बॉटल आराम से फिट हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक छोटा सा ट्विटर लगा हुआ है जो कि आपके कॉलिंग वगैरह के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। दरवाजे को लॉक करते हैं और पीछे के दरवाजे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको कोई रिक्वेस्ट आंसर नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी क्रोम फिनिश यहाँ पर दी गई है। अगर दरवाज़ा खोलता हूँ सामने के दरवाजे की तरह ही सारे के सारे यहाँ पर बटन आपको मिल जाते हैं, चाहे आप ग्रैब हैंडल की बात करें या फिर इस वाले बटन की बात करें या फिर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी आपको लेदर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है और प्रॉपर लेदर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर देखेंगे एक चाइल्ड लॉक दिया गया है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इसे लॉक या अनलॉक कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता है। इसका मीनिंग यह है कि अगर आपने लॉक कर रखा है तो गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से नहीं खुल सकता है कितनी भी कोशिश कर लो। आपको मैं दिखाई देता हूँ, अगर मैंने इसे अब कर दिया लॉक तो यहाँ से मैं कितनी भी कोशिश करूँ लॉक कर दूँ, अनलॉक कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, यहाँ से इसे खोलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। ये खुलेगा बाहर से तो अब हमें दूसरे साइड से जो है बाहर आना होगा। अब देख सकते हो आप कि दरवाज़ा जो है यहाँ से खुलेगा और इसे हमें अनलॉक करना पड़ेगा। अब दरवाज़ा अंदर से खुल सकता है। पीछे की तरफ फ्यूल लिड आपको मिल जाएगा, यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। और आपको पीछे का टायर भी सेम साइज़ का ही मिलने वाला है जो कि था 185/55/R16। टायर प्रोफाइल काफ़ी छोटा इन्होंने दिया है। होंडा सिटी का टेल नेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि यहाँ तक एक्सटेंडेड है, काम इतना ही करेगा। यहाँ पर से ये रेड जल जाता है, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरफ आपको होंडा की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पर IVTEC लिखा हुआ है जो कि इंजन का टेक्नोलॉजी फॉर्म है। इसके अगर अंदर आप देखेंगे तो 1.5 लीटर का इंजन आता है जो कि 119 BHP की पावर 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाती है। इंजन में आपको खोल के दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अभी हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कैमरा दिखाई देगा जो कि इसका रियर सेंसिंग कैमरा है। चार प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, देखिए एक ये है, ये है, एक यहाँ पर लगा हुआ है,
और एक ऊपर की तरफ आपको हल्का सा दिखाई देगा, जो कि आपको बताएंगे कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। पीछे का एरिया आप देख सकते हैं कुछ काफ़ी अच्छा सा बनाया गया है, जो उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 165 mm का है। प्रॉपर सेडान होने की वजह से इसको ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो हो सकता है कि जब आप बड़े ब्रेकर या फिर किसी कच्चे रास्ते पर चले जाएँ तो गाड़ी थोड़ी सी जो है चुम्मा देते हुए निकलेगी ब्रेकर्स को। इस तरफ देखेंगे हम ड्राइवर सीट पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि रिक्वेस्ट सेंसर, गाड़ी को हम ओपन करते हैं और यहाँ पर देखिए फिज़िकल की लगाने के लिए भी जगह है, इसको पैक नहीं किया गया है क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसे पैक कर देते हैं काफ़ी सारी कंपनियाँ फिर यहाँ से बटन डालकर उसे खोला जाता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम ओपन करते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। अब आपको मैं बूट दिखा देता हूँ, बूट कितना बड़ा है, तो आप देख सकते हो ये डिक्की खोलने के लिए है, बूट स्पेस खोलने के लिए है। बूट की तरफ चलते हैं तो आप ये देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर बूट दिया गया है। अगर नंबर्स की बात करूँगा तो 506 लीटर का बूट स्पेस दोस्तों ये टोटल होता है। अंदर से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, बहुत बड़ा ये स्पेस है जिसके अंदर दो लोग आराम से जा सकते हैं। अब हम इसकी स्टेपनी देखना चाहेंगे, ऊपर की तरफ इसे उठाएंगे तो यहाँ पर आपको ये आपको जैक वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखें जैक रखा हुआ है। अगर व्हील की बात करेंगे तो व्हील का साइज़ मैं देखता हूँ 175/65 R15 है, मतलब कि ये भी एक साइज़ छोटा व्हील यहाँ पर आपको मिल जाता है। एक ही चीज़ है जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही, वही ये है यहाँ पर हाइड्रोलिक बार्स हो सकते थे, ये आपने पुराने ज़माने का दिया जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस चला जाता है ज़्यादा। और ध्यान से देखेंगे तो ये लाइट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि नंबर प्लेट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो हम लगा देते हैं। तो अब दोस्तों हमने क्योंकि बूट देख लिया, अब इंजन देखना भी ज़रूरी है। अब आप ये देख सकते हो गाड़ी के अंदर एक इंजन लगा हुआ है जिसको कहा जाता है होंडा का आईवीटेक 1.5 लीटर इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन लगभग 119 BHP की पावर बनाता है, 145 Nm का टॉर्क देता है और गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आपको नज़र आती है। तो ये था दोस्तों इंजन। प्रॉपर अगर सीटिंग की बात करूँगा, सीटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो प्रॉपर बकेट सीट्स यहाँ पर दी गई है, बैठने में काफ़ी ज़्यादा आराम आपको मिलने वाला है। फिर अगर आप रियर इसकी बात करेंगे तो ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सा यहाँ पर जो है बैक रेस्ट आपको मिल जाता है, और जो हेड रेस्ट है उसकी चौड़ाई देखते ही बनती है भाई साहब, प्रॉपर हेड रेस्ट बहुत बड़ा सा दिया गया है। हालाँकि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सीडेंट के समय ज़्यादा होता है, एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस आप कह सकते हो, लेकिन काफ़ी बढ़िया सी ये नज़र आती है। कुछ लोग यहाँ पर भी नेक रेस्ट लगा करके जो है अपने गर्दन को आराम देना चाहते हैं। ड्राइवर साइड का जो दरवाज़ा है थोड़ा सा ज़्यादा फीचर लेकर आता है, जैसे कि ग्रैब हैंडल सेम रहेगा, यहाँ पर ये भी चीज़ रहेगी। इसको अगर आप खोलेंगे और बंद करेंगे तो पूरे सारे के सारे दरवाजे जो हैं लॉक या अनलॉक होते हैं, आप देखते हैं छोटा सा मूवमेंट उस वाले दरवाजे पर हो रहा होगा इसकी वजह से। तो वही बटन दोस्तों एक यहाँ पर दी गई है, इससे भी आप लॉक या अनलॉक कर सकते हो, तो थोड़ा ईजी आपके लिए हो जाता है। फिर यहाँ पर लेफ़्ट और राइट ये दो बटनें दी गई हैं भाई, आपको जो ORVM सेट करना है उसके हिसाब से आप जो है रिट्रैक्ट या इसको खोल सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए भी आप लेफ्ट या राइट चूज़ करके फिर उसको जिस डायरेक्शन में आपको मोड़ना, नीचे करना है थोड़ा सा जो आपका ORVM या ऊपर करना है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर चारों की चारों विंडोज़ दी गई हैं कि भाई ये आप कर लो। ऑटो का बटन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ऑटो का बटन यहाँ पर इन्होंने अलग से दिखाया नहीं है, लेकिन फंक्शनिंग जो है ऑटो वाली होती है। मैं बता दूँ कैसे, वन टच डाउन की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर कर दूँ तो देख सकते हो आप मैंने हाथ हटा लिया है और जो ग्लास है ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको नीचे कर दूँ ग्लास अपने आप नीचे आ रहा है, मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक फंक्शनिंग अच्छी सी यहाँ पर मिल जाती है। MID के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी बटने गाड़ी की दिखा देता हूँ। इस तरफ आपको क्रूज़ के सारे फंक्शन मिल जाते हैं, कैंसिल करना है, क्रूज़ करना है, रीसेट करना है, सेट करना है। देखिए ये ADAS Level 2 के साथ आती है गाड़ी, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गया, लेन की असिस्ट यहाँ पर नहीं है, लेकिन लेन डिपार्चर वार्निंग आपको मिल जाएगी कि भाई गाड़ी जो है लेन छोड़ रही है, वो आप ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ पर दो बटने दी गई है भाई, एक ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप यहाँ से, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये स्टेप्स दिए गए हैं लाइट के लिए, कि लाइट के लिए स्टेपर जो है BS6 में होना ज़रूरी था, वो यहाँ पर मैं आपको मिल जाता है। ये AC वेंट्स हैं जिसको आप लॉक कर सकते हैं इस तरीके से, फ्लैप बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं और डायरेक्शन दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये फंक्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्रूज़ के कंट्रोल्स आपको बता दिया। इस तरफ आप देखिए यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आगे वाली चीज़ चलानी है, पीछे वाली चीज़ चलानी, ये कर सकते हैं। सोर्स कौन सा रहेगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, होम पे जा सकते हैं। अब देखिए होम पर अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ से इस वाले स्क्रीन पर भी कुछ कुछ चीज़ें बदल रही थी, ये देखिए होम पर मैं चला जाता हूँ, ऊपर मैं टैकोमीटर देख सकता हूँ, उसके बाद रेंज एंड फ्यूल देख सकता हूँ, स्पीड एंड टाइम देख सकता हूँ, जी मीटर देख सकता हूँ, सेफ्टी सपोर्ट देख सकता हूँ, सेटिंग्स देख सकता हूँ, कस्टमाइज डिस्प्ले कर सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ। ये सारा का सारा स्क्रीन जो है ये टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा डिजिटल डिस्प्ले है। जैसे कि आपने देखा था इंजन चालू करने से पहले पूरा डिस्प्ले जो था बंद था, पूरा का पूरा चालू होता है नया, और इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर हम चले जाते हैं होम के ऊपर, इस तरफ आपको सिंपली एक कांटा दिखाई दे रहा होगा जो कि एक फिजिकल कांटा है, और फिर नंबर्स आपको अलग से दिखाई देते हैं। अभी फिलहाल गाड़ी 0 km/h पर चल रही है, पार्किंग मोड पर है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये CVT मॉडल है, तो इसके अंदर आपको जो है पैडल शिफ्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पैडल शिफ्टर्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर, ये देखिए ये वाला जो सीन है ये पैडल शिफ्टर्स कहलाते हैं, जिनसे आप
गियर्स कम ज़्यादा कर सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये CVT है तो फिर CVT में क्या कैसे गियर होते हैं, तो इसके स्टेप्स रहते हैं, सात स्टेप वाला ये CVT लोग बनाते हैं होंडा। काफ़ी बढ़िया तगड़ा CVT होता है, लैग कम देखने को मिलता है, साथ में पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। अब बात आती है इस वाले स्क्रीन की, जिस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी देखें यहाँ पर फिजिकल कीज़ दी गई हैं, ये वाला बटन दबाएंगे तो आपके सामने सारे के सारे फंक्शंस आ जाते हैं। बैक का बटन भी यहाँ पर दिया गया है, साउंड के लिए कम ज़्यादा के लिए बटन दिया गया और बंद करने के लिए बटन दिया गया। अब हम इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे, इसको अगर मैं इस तरफ करूँ, नो डिवाइसेस कनेक्टेड बता देता है, ऐप्स पे चला जाता हूँ तो देखिए आपको फ़ोन USB केबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर अपना फोन पेयर करके आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले यहाँ पर चला सकते हो। फर्स्ट टाइम में वाईफाई सेटिंग, रियर कैमरा, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। फिर थीम वगैरह बदलनी हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आएंगे हम तो यहाँ पर आपको AC कंट्रोल्स देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी, AC ऑन है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सा वाला ये लगा हुआ है मोड, टच स्क्रीन नहीं है देखिए, अभी से फ्रंट में चालू है, आप चाहे तो इसको इस पे ले जा सकते हैं, जब पैर में भी हवा लगेगी सिर्फ पैर पे लगेगी, और ये पैर के अलावा डिफॉगर भी चालू हो जाएगा सामने का, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। AC ऑन रखना, ऑफ रखना, ये बटन यहाँ पर मिलेगा। रीसर्कुलेटिंग एयर चालू रखनी, बंद रखनी, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट का डिफॉगर, रियर का डिफॉगर यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। और मैक्सिमम कूल का एक बटन दिया जाता है भाई, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में गाड़ी खड़ी है तो मैक्सिमम कूल का बटन चालू कर दो, लोएस्ट टेम्परेचर पर मैक्सिमम कूल चालू हो जाएगा और फुल AC के फैन हो जाएंगे। ये यहाँ पर फीचर आपको मिल जाता है। अब आते हैं थोड़ी और नीचे की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं पावर आउटलेट मिल जाएगा 12 वोल्ट का, यानी कि सिगरेट लाइटर यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर है USB पोर्ट, दो मिल जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के लिए ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर फोन का बटन, फोन का जो लोगो है इन्होंने दिए रखा है, यहाँ पर आपको फोन रखने के लिए जगह मिल जाएगी, यहाँ पर एक और थोड़ी सी जगह मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं कॉफ़ी वगैरह रखनी है तो, और यहाँ पर आपको मिलता है इकॉन मोड, इससे आप मोड चेंज कर सकते हो गाड़ी का। ये देखिए इकॉन ऑन हो जाता है यहाँ पर, इस बटन को दबाएंगे, इकॉन ऑफ, इकॉन ऑन, इकोनॉमी मोड में ये गाड़ी चलने लग जाएगी। देखिए इसके पांच मोड है, पार्किंग मोड है, R मोड है यानी रिवर्स, N मतलब न्यूट्रल है, D है ऐसे है, ये चार मोड यहाँ पर आपको अलग से और मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन जो है MID के ऊपर दिखेगी, ये देखिए ये मोड्स आपको यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं रिवर्स मोड लगाता हूँ, इसका रियर कैमरा जो है चालू हो जाता है। इसमें देखिए कितने सारे सेक्शन है, चेक योर सराउंडिंग्स, अगर मैं ये वाला बटन दबाता हूँ तो ये मुझे पूरे पीछे की तरफ वाइड, अल्ट्रा वाइड में दिखाता है, ये वाला दिखता हूँ तो एकदम थोड़ा सा कम दिखाता है, और ये वाला दिखूँ तो अगर मैं ये फ्लैट मुझे दिखाता है, नीचे की तरफ दिखा रहा है, टाइल्स दिखा रहा है कि भाई क्या चीज़ें हैं गाड़ी के पीछे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 360 डिग्री कैमरा का कोई सेक्शन है नहीं, ऊपर की तरफ हरारत लैंप का बटन दिया गया है। इस वाले एरिया में यहाँ पर हमारे पास है हैंड ब्रेक, जिसको हम इस तरीके से बंद या चालू, मतलब हैंड ब्रेक लगाया छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों है हमारा हैंड ब्रेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ होती है, इसको मैं चाहूँ तो इस तरीके से खोल सकता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा कंपार्टमेंट मुझे दिखाई देता है, जिसको मैं, जिसमें मैं सामान रख सकता हूँ, अपनी चीज़ें रख सकता हूँ, चाबी वगैरह रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं दिया गया है। सीट आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जिसकी जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही, काफ़ी बढ़िया सा लेदर लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक IRVM देखने के लिए मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से, इसको आप इस तरीके से घुमा भी सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सेक्शन बटन दिखाई देगी, जिसके अंदर की आप देख सकते हो सनरूफ ओपन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे कि सनरूफ ओपन हो रही है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा सा सनरूफ यहाँ पर दिया गया है, और ये वाला आपको हाथ से ही जो है खींच कर बंद करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर डोर का बटन मिल जाता है आपको ऑन या ऑफ करने के लिए। यहाँ पर दो लाइट्स आपको दिख जाते हैं, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छे से फिनिश किए गए हैं, दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये पूरा बटन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सनसेट दिखाई देगा, जिसके अंदर की वैनिटी मिरर आपको देखने मिल जाएगा, और यहाँ पर कोई, मुझे लगा था कि लाइट होगा लेकिन कोई लाइट नहीं है। अगर ड्राइवर साइड पे देखते हैं सनशेड में, यहाँ पर आपको कोई वैनिटी मिरर मिल जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों ये है ड्राइवर सीट। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर इसका डैशबोर्ड देखेंगे, काफ़ी बढ़िया सा फिनिश आपको मिल जाता है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और इस तरफ लेदर लगा हुआ है, जो कि काफ़ी बढ़िया से फिनिश मिलता है। उसके ऊपर आपको लकड़ी का सा फिनिश देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक अलग ही लुक इसको देता है, प्लस ये लेदर वाइट कलर का। यहाँ पर आपको और स्पेस मिल जाएगा सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये है फ्रंट सीट दोस्तों, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेस और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। अब हम चलते हैं रियर सीट पर, जहाँ पर और भी चीज़ें मौजूद है। और एक चीज़ रह जाती है जो कि मैं आपको अब दिखा दूँ, वो है दोस्तों ये एक लीवर यहाँ पर आपको मिलता है, जिसमें आपको हेडलैम्प्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑटो रखना है या फिर बंद रखना है, ऑफ रखना है, और इंडिकेटर के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो, फॉग लैंप चालू करने के लिए, बंद करने के लिए कर सकते हो। इस तरफ आपको जो मिलता है ये लीवर होता है आपके वाइपर चालू करने के लिए। सो देख सकते हो दोस्तों इंग्रेस काफ़ी ज़्यादा इजी है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो सीट है ड्राइवर की, वो अपने चरम पर है, एकदम सबसे ज़्यादा पीछे है, और मैं यहाँ पर आराम से बैठ सकता हूँ। मेरी हाइट 5'8" है उसके बाद, और ये सीट पूरी तरीके से पीछे, मतलब यहाँ पर लंबे से लंबा इंसान बैठ जाएगा तो भी मेरे पास इतनी जगह रहने वाली है। मैं चाहता ऐसे भी बैठ सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आराम से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ऊपर की तरफ रीडिंग लाइट मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं इस तरीके से, हैं बंद चालू कर सकता हूँ मैं यहाँ से करना चाहूँ तो। अभी फिलहाल गाड़ी के दरवाजे खुले थे, बंद नहीं हो रहे। यहाँ पर जो है मेन मुद्दे की चीज़ है दोस्तों, AC वेंट्स मुझे मिल जाते हैं,
अब ये एसी वेंट्स मतलब आप सभी को पता है ब्लोअर है, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे ब्लोअर है ब्लोअर है ब्लोअर है भाई, इसका टेम्परेचर आप सेट नहीं कर सकते और ज़्यादातर गाड़ियों में ब्लोअर ही आता है। नीचे की तरफ आपको 12 वोल्ट का दो सॉकेट मिल जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आप चार्जिंग कर सकते हो। दरवाजे पर मैंने आपको कंट्रोल्स पहले ही दिखाए थे, यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाएगा और कोट हुक भी मिल जाता है यहाँ पर, तो कोट वगैरह लटकाना हो तो लटका देना आपका। इस तरफ एक खास चीज़ है, ये देखो सनशेड, ये आपको इनबिल्ट मिल जाती है गाड़ी के साथ। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो और चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो, बंद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ये डीफॉगर देखने के लिए मिल जाएंगे, डीफॉगर की लाइन देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आती है दोस्तों ये वाली बात कि भाई यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है, दो कॉफ़ी मग रखने के लिए यहाँ पर काफ़ी स्पेस हो जाता है, यहाँ पर गड्ढा हो जाता है जिसमें कोई बैठ नहीं सकता है। ध्यान देंगे आप तो 3 पॉइंट का ये सीट बेल्ट यहाँ पर आपको मिड सीट के लिए मिल जाता है। ये हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन तीनों के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। ऑब्वियसली किसी बच्चे के हेडरेस्ट दिख रहे हैं इन दोनों के सामने, मतलब इनको भी पता है पतला सा दुबला सा आदमी बैठे। 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड कर्टन एयरबैग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए बैजिंग लगी हुई है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो गाड़ी के अंदर ABS है, EBD है, HHC है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कि मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल आपको बताया था, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है, हाई बीम असिस्ट है, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन है, 6 एयरबैग है जैसे कि मैंने कहा था, मिडिल रियर सीट 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ब्रेक असिस्ट भी है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी है। तो ये सारे फीचर्स लेकर के दोस्तों गाड़ी आती है। दोस्तों जैसे कि हमने जब भी फ्यूल लोड खेला था वो अभी तक खुला हुआ है, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और आप इसको बंद भी कर सकते हो इस तरीके से। बंद करने के लिए उधर बटन दबाने की जरूरत नहीं, इसको बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ दोस्तों, अगर ये वेरियंट ZX CVT आप लेने वाले हो तो ये आपको लगभग 18.5 लाख रुपए में ऑन रोड प्राइस के साथ मिल जाता है। ये इसका प्राइस लगभग 16 लाख रुपए ऑन रोड है, टॉप एंड का गाड़ी लगभग 13.5 लाख रुपए जिसका बेस वेरिएंट शुरू होता है ऑन रोड प्राइस के साथ। तो ये सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कुछ भी सवाल रहे आप पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।